हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए तरोई की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तरोई को कई जगह पे नेनुआ भी कहा जाता है। तो इधर मैंने तरोई को इस तरीके से छील लिया है और इसे लंबे टुकड़े में इस तरीके से कट कर लिया है। आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कट करने के बाद मैंने इसे दो पानी से अच्छे से धो लिया है। इसको बनाने के लिए हमें किन सामग्री की ज़रूरत है, चलिए देख लेते हैं। तो इधर मैंने लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन, सूखी लाल मिर्च और जीरा। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, सरसों का तेल। फ्रेंड्स, सरसों के तेल के अलावा आप अपनी पसंद की किसी भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं। तो इधर कढ़ाई गर्म है, इसमें मैं डालूंगी एक छोटा चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे लहसुन, सूखी मिर्च और जीरा। सूखी मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। जैसे ही जीरा का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तरोई। तरोई डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। अब हमें डालना है हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। इन दोनों को अच्छे से हम तरोई के साथ मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको सतपुतिया की सब्जी की रेसिपी देखनी है या फिर और भी तरोई की सब्जी की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो इधर मैंने तरोई को लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ी देर भून लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढकेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसे बीच बीच में चलाते रहना है, चेक करते रहना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से तरोई की सब्जी आप बनाइए और बहुत ही कम समय में ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं तरोई की सब्जी लगभग बनकर तैयार है। तो अब इसमें धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहना है, चेक करते रहना है। तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तरोई की सब्जी हमारी एकदम बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और चलिए गर्मा गर्म तरोई की सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये तरोई की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो तरोई की सब्जी है, जितनी देखने में बढ़िया लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसे चावल, रोटी, पूरी, पराठे के साथ खाइए। ये सब्जी सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चों से लेके बड़े भी इस सब्जी को आपसे बार बार बनवा कर खाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी भी लगती है तो इसलिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये तरोई की सब्जी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।